दोस्तों, ये आप कार्टून का जो बैकग्राउंड बनाया हुआ है, तो चलिए कैसे बनाना है वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक फ्रेम लेनी है चौरस, फिर हमें इसका जो बैकग्राउंड है उसको सिंपल करना है, फिर हमें स्क्वायर शेप लेना है और फिल ऑन करना है, फिर हमें कलर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम फर्श का कलर सिलेक्ट करेंगे, जो नीचे का हिस्सा होता है ज़मीन का, उसको हम रेड टाइप बनाते हैं इस तरह से। और पेंसिल की बात की जाए तो ड्राइंग पेन ही रखनी है हमें, और तीन लेयर ऐड करनी है। सबसे पहले बनाएंगे हम नीचे का हिस्सा, फोटो को थोड़ा छोटा कर देंगे, फिर थोड़ा लाइट कलर करेंगे। अब दूसरी लेयर में जाएंगे और ये पीछे की दीवार होती है साइड की, वो बनाते हैं हम। फिर अब और लाइट कलर करेंगे इसको, फिर हम तीसरी लेयर पे जाएंगे और वहाँ पर भी ये लेंगे। अब हमें क्या करना है, तीनों को सेट करना है। नीचे वाले हिस्से को तो आपको पूरा सेट करना है पूरे इमेज में, फिर बारी आती है पीछे की दीवार बनाने का, उसको इस तरह से रखना है। फिर ये जो साइड की दीवार है, ये सबसे अहम हिस्सा है। इसको इस तरह से क्रॉस में ले जाना है, थोड़ा जूम करके देखते हैं परफेक्ट बन गया नहीं। इस तरह से आपको जूम करके एकदम परफेक्ट बनाना है। ये पीछे की दीवार जो है बन चुकी है, साइड की दीवार बन चुकी है, नीचे का हिस्सा भी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, दीवार के अंदर एक गड्ढा बनाएंगे सामान रखने का, दीवार के अंदर ये इस टाइप का एक बॉक्स बनाना है हमें, जिसे गांव का शेप आए। गांव में दीवारों में इस तरह से होते हैं, इसके अंदर सामान रखने का होता है। फिर तो आप देख सकते हैं बन चुका है दीवार के अंदर एक सामान रखने का, इसको हम मर्ज करेंगे। तो ये दीवार का काम तो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो साइड की जो दीवार है उसके हम एक दीवार रखेंगे बर्तन रखने की। हमारे राजस्थानी भाषा में इसको पगाड़ी बोलते हैं, पगाड़ी, सामान रखने की पगाड़ी। इसके ऊपर बर्तन रखे जाते हैं, हम इसमें बर्तन भी रखेंगे। पहले हम एक ठीक तरह से बना लेते हैं। इसको पगाड़ी भी बोलते हैं, साजले भी बोलते हैं। कमेंट जरूर कीजिए कि आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं। इसमें आप अलग अलग ड्राइंग करो तो अलग अलग फ्रेम से कीजिएगा, इससे क्या होगा आपको कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हैं आसानी से, और इन फ्यूचर आप कलर बदलना हो तो बदल भी सकते हैं। We'll be right back.
तो ये सामान रखने का बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी परछाई लाएंगे जिससे रियल लगे थोड़ा। तो ये दीवार का काम तो सब हो चुका है, इसको भी मर्ज कर लेते हैं हम। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, सब धीरे धीरे करके हमने ये PNG फाइलें, खिड़की की PNG फाइलें, ये सब आपको गूगल सर्च से डाउनलोड करनी है। इसमें आपको दरवाज़ा भी डाउनलोड करना है, इस तरह से टेबल, ये सब मैंने गूगल सर्च से डाउनलोड किया है। फिर हमें इसमें इमेज को ऐड करते रहना इस तरह से। बैकग्राउंड बनाने से पहले आपको क्या करना है, गूगल सर्च से सारी PNG फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ये जो बर्तन के लिए हमने पगाड़ी बनाई थी, अब इसकी कॉपी करके दूसरा बर्तन रखेंगे, इसको थोड़ा छोटा रखेंगे। एक और कॉपी करेंगे हम डुप्लीकेट लेयर करके, और इसको और हाथ में रखेंगे। तो ये बर्तन का काम तो हो चुका है। आपको जैसे तैसे करके इस रूम को पूरा भर देना है। आप देख सकते हैं मैंने सब PNG फाइलें ऐड की हुई है सामान की। अगर आप PNG फाइल ऐड करते हैं इस बैकग्राउंड में तो आपको कभी भी कोई कॉपीराइट का इश्यू आता ही नहीं है। ये मैंने एक मटका PNG लिया था गूगल सर्च से, उसको भी हम रखेंगे। तो मोस्टली सब हो चुका है, दरवाज़ा खिड़की सब आ गई है। हम बिस्तर को ऐड कर देते हैं इस तरह से। तो बिस्तर भी ऐड हो चुका है। अब बिस्तर के पास हम टेबल ऐड कर लेते हैं। अब इरेजर से दो टेबल आए, तो हम क्या करेंगे, इरेजर से एक को डिलीट कर देते हैं इस तरह से। तो ये इमेज लगभग बन चुका है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो साइड की जो दीवार है उसका अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो। इसमें ये इफ़ेक्ट का जो ऑप्शन है उसमें से फिल्टर वाला, एक बार हम ट्राई करते हैं कौन से कलर आते हैं। देखो इस तरह से कलर चेंज कर सकते दीवार का। ये अलग अलग लेयर का ये फ़ायदा होता है, हम किसी लेयर का हम कलर चेंज कर सकते हैं, जो आपको परफेक्ट लगे वो कलर आप रख सकते हैं। आप किसी का भी कलर चेंज कर सकते हैं अगर लेयर अलग हुई तो। इस तरह से ये बन जाता है हमारा बैकग्राउंड। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा हमें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।